हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज है जैसे कि रक्षाबंधन। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना रक्षाबंधन की भी तैयारी करनी थी मुझे और घर के बहुत सारे काम भी करने थे मुझे। तो बस सुबह सुबह ही ना मैं लग गई हूँ सबसे पहले घर की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि सबसे मेन काम था हमारे घर की क्लीनिंग का। तो जी देखिए, सबसे पहले मैं लग गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। और ना इस रूम की मुझे करनी थी डस्टिंग वगैरह, मैंने की सारा, मतलब बेड वेड सब कुछ अच्छे से डस्टिंग किया। उसके बाद बेडशीट को मैंने चेंज नहीं किया था क्योंकि अभी एक दो दिन पहले ही मैंने धोकर दूसरी बिछाई थी। तो बस बेडशीट अच्छे से साफ़ थी तो मैंने उसको झाड़ पूछ कर दोबारा से सेट कर दिया है। अभी इस रूम की मुझे करनी थी क्योंकि रात में ना हम सोते इसी रूम में ही हैं, तो जो कि खाट रखी है इस पर वंशिका और मैं सो जाते हैं, और जो ये फोल्डिंग रखा हुआ है इस पर ना इसके पापा सोते हैं, आर्य नीचे सोता है मम्मी के पास। तो बस इसीलिए ना इस रूम में थोड़ा सा मतलब तकिए वगैरह बेडशीट वगैरह हो जाती हैं। तो इसकी मैंने अच्छे से बेडशीट झाड़ दी है और तकिए जो कि मैंने खाट के ऊपर रखे हुए हैं उनको मैं यहीं पर सेट करके लगा दूँगी। और बेडशीट को मैंने देखिए झाड़ कर बिछा दिया, साफ़ सुथरी थी इसीलिए। अभी यहाँ पर इस रूम की क्लीनिंग हो गई है। अब झाड़ू लगाने से पहले मैंने सोचा कि मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, अच्छे से बर्तन वगैरह साफ़ हो जाएंगे, किचन क्लीन हो जाएगा ना, तो बाकी का काम करने में भी आसानी हो जाएगी। बर्तन मैंने रात में नहीं मांजे थे क्योंकि मुझे फीवर चल रहा है तो दो दिन से ऐसे ही हो रहा है, तो रात में बर्तन हो रखे थे बहुत सारे और कुछ बर्तन सुबह में हो गए थे। तो बस सभी को मैंने इकट्ठा कर लिया है और सबसे पहले मैं अपने सारे बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। बुखार की वजह से हो गया, नहीं तो ना बिल्कुल भी रात में बर्तन छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं बर्तन रात में छोड़ने चाहिए और ना ही मैं छोड़ती हूँ अधिकतर, पर कभी कभी मजबूरी में ऐसा हो जाता है। और बेटी से मैं बर्तन नहीं धुलवाती हूँ क्योंकि कहते हैं कि बेटियों से बर्तन धुलवाना अच्छा नहीं होता है, तो अभी मैंने बहुत कम कर दिया है इसीलिए मैं बेटी से नहीं धुलवाती। अभी देखिए यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, पूरा टोकरा भर के अच्छे से बर्तनों का सेट करके रख दिया, एक साइड में रखा हुआ है। तो इधर की साइड का स्लैब है जो कि अच्छे से मैं ना साफ़ कर ले रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ना मैंने देखिए गैस पर चूना लगाकर सर्फ से अच्छे से साफ़ कर दिया है और गीले कपड़े से भी साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद करूँगी मैं ये जो स्लैब है ना इसको साफ़, तो ये ना गैस हटाए बिना नहीं साफ़ होती है क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना तो गैस का स्टोव, इसीलिए इसमें के नीचे से अच्छे से फिर कपड़ा लगता नहीं है। तो देखिए पूरे गैस को मैंने अच्छे से चमका दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा अच्छे से स्लैब वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, सामान हटा हटा कर रख दिया है और गैस को मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था जैसे कि, तो बस इसको भी इस साइड लगा दिया। अभी रह गई है दूसरी साइड का भी, देखिए अच्छे से ना पूरे स्लैब पर एक कपड़ा सूखे से करके मार दे रही हूँ क्योंकि इस कपड़े को ना मैं कई बार धोती हूँ। जब स्लैब साफ़ करते हैं ना तो कई बार धो धो कर निचोड़ते हैं और फिर जब इसको हम स्लैब पर लगाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। अभी जो स्टैंड वगैरह थे, तवा वगैरह था, वो भी मैंने धोकर रख दिया है। तो बस किचन पूरे ऑलमोस्ट क्लीन हो ही चुकी है। पूरा किचन डीप क्लीनिंग वगैरह या कुछ भी कह लीजिए, साफ़ सुथरा होने के बाद ना एक अलग ही सुकून मिलता है। तो जी अभी देखिए पूरा किचन भी क्लीन हो गया था और बेडशीट वगैरह मैंने जैसे कि पहले ही सेट कर दिया था। अभी रहता था सिर्फ झाड़ू का काम, तो मैं अभी अच्छे से लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। सबसे पहले मैंने लगाई है बेड वाले रूम में, उसके बाद लगाऊंगी मैं यहाँ पर जो कि बाहर बरांडे में और किचन में। बस यहाँ पर झाड़ू सारे में अच्छे से लगाने के बाद ना बाहर जाना है, और अभी ना नीचे भी सीढ़ियों वगैरह में भी मुझे सारे में घर की साफ़ सफाई करनी थी। तो एक तो ना आज काम में मन ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी करने का मन नहीं था, लेकिन करना पड़ा क्योंकि ना एक तो फीवर की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सुबह सुबह ही ना सर में दर्द और टांगों में दर्द, बहुत ज़्यादा शरीर में ना मतलब गिरावट सी हो रही थी, लेकिन फिर भी ये सोच के किया क्योंकि आज एक तो त्यौहार का टाइम है, रक्षाबंधन है, और दूसरा ये था कि नंद भी आने वाली थी। तो बस आज मेरी बड़ी वाली नंद जी हैं जो वो आएंगी, तो इसीलिए मुझे सोचा था कि जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ। वैसे तो वो ऊपर नहीं आती हैं, नीचे ही बैठी रहती है सासू माँ वाले रूम में, पर अच्छा नहीं लगता है अगर बाय चांस भी कोई ऊपर आ जाए तो घर गंदा हो तो देखिए अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने ये सोचकर पूरा घर जैसे साफ़ सुथरा भी कर दिया, सारा काम भी कर लिया था
और फिर मुझे खाना भी बनाना था, लेकिन मेरे साथ कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि बस क्या ही कहूँ। अभी देखिए यहाँ पर पूरे घर में मैंने पहले जैसे झाड़ू लगा दे रही थी और झाड़ू जैसे कि लग गई थी, तो बस मैं जीने में झाड़ू लगा कर आई। उसके बाद ना यहाँ पर सबसे पहले मैंने पोछे वाली बाल्टी में पानी भरा और इसमें थोड़ी सी फरनाइल डाल दिया। फरनाइल मैं इसीलिए डालती हूँ तो उसकी ना बहुत अच्छे से खुशबू बहुत अच्छी आती है, पूरा घर महक उठता है, पता चलता है कि हाँ घर में पोछा लगा है। और दूसरा ये हो जाता है कि मक्खी मच्छर वगैरह भी नहीं आते हैं फर्श पर। तो पोछा लग गया था पूरे घर में और मैं आपको बता रही थी कि क्या हुआ था। तो जी पूरा काम मैंने अच्छे से कर लिया, उसके बाद ना मैंने दो एक चक्कर नीचे के लगा लिए तो बहुत ज़्यादा मुझे सांस चढ़ गया, थकावट सी हुई और इतना ज़्यादा मेरे टांगों में दर्द, वीकनेस सी महसूस हुई ना कि मैं लेट गई और लेटी रही काफ़ी देर तक, मुझसे ना फिर उठा नहीं गया। जैसे कि मैंने घर का काम तो 9 बजे तक निपटा लिया था, घर का काम मेरा सारा 8-8:30 बजे के बाद तक हो गया था। उसके बाद हमने चाय वगैरह जैसे कि पी और चाय सिर्फ पी थी रस वगैरह के साथ ही, तो बस मैं लेट गई। फिर मैंने बुखार की खुराक खाई और बुखार की खुराक खाने के बाद मैं काफ़ी देर तक लेटी रही, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी तो चद्दर ओढ़ कर लेट गई थी। उसके बाद ना मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हुआ उठने का, काम करने का, खाना वाना बनाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। यहाँ पर देखिए सामने बूंदी और दही लाकर इसने रखी है आर्यन ने, तो मैंने उसको बोला था कि भैया मेरा भी मन नहीं है खाना बनाने का और उसके पापा गए हुए हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो देखती हूँ अगर कुछ बना पाई तो बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, एक तो त्यौहार का टाइम है और फिर नंजी भी आ रही है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बनाना ज़रूरी था। अभी पूरा काम निपटाने के बाद देखिए मैं काफ़ी देर तक लेटी रही, सारा घर का काम मैंने अच्छे से कर लिया था, पूरा घर साफ़ सुथरा था, तो बस खाट बिछा कर ना इसी खाट पे मैं लेटी हुई थी चादर डालकर। अभी उठी हूँ, हस्बैंड जी सब्जी ले आए थे, मैंने पनीर और मटर रख दिया था फ्रिज में कि अभी नहीं है मूड बनाने का तो नहीं बनाती। फिर हार के मुझे 11:45 बजे पूरे उठना ही पड़ा, 11:30 के बाद मैं उठ गई थी। और अभी देखिए मेरा बार बार ना ध्यान टाइम पर ही है कि मुझे टाइम से पहले काम भी सारे निपटाने थे और रक्षाबंधन की भी तैयारी करनी थी, तो मैंने ना आलू और बीन्स जो कि फलियाँ होती हैं या फिर सिंगरे भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो बस वही मैंने सब्ज़ी वगैरह कट करके रख दी है क्योंकि मुझे बनानी है सूखी सब्ज़ी मिक्स वेज और साथ में बनाऊंगी मैं मटर पनीर। तो खाना बनेगा आज बिना प्याज लहसुन का, बन तो जल्दी ही जाएगा, बस बनाने में ये है कि अकेले ही करना है, तो थोड़ा सा सोच रही थी कि जल्दी हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी यहाँ पर हो चुका है 1:40 का टाइम, खाना मेरा प्रॉपरली बन चुका है टोटल। वीडियो शूट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि खाना मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी में बनाया था और खाना बनाने मैंने सिर्फ सब्जी कट की बैठकर, उसके बाद तो मैं जो स्पीड से लगी, मैंने एक साइड सब्जी फ्राई की, दूसरी साइड मैंने मटर पनीर की सब्जी को छोंक लगाया और तीसरे वाले गैस पर मेरी रखी हुई थी खीर, जिसमें कि मैंने दूध चढ़ाकर सिर्फ चावल धोकर डाल दिए थे, खीर पकनी रख दी थी और रायता मैंने डालकर रख दिया था फ्रिज में और फिर लगाया था आटा। तो बस ये सारा काम मेरा हो गया था। सब्जियाँ आज मैंने सारी पहले तेल में फ्राई की थी, फ्राई करने के बाद उसको मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्च डालकर छोंक लगा दिया था, तो बस खाना मेरा बन चुका था सारा, मटर पनीर भी और वो भी सब चीज़ें। अभी आ गए थे हम नीचे, यहाँ पर हो रही है तैयारी वही जैसे कि 1:40 के बाद था मुहूर्त राखी का, तो 1:40 से ऊपर टाइम हो गया था, 1:40 से पहले ही वंशिका ने 1-2 मिनट पहले ही कान्हा जी के राखी बांध दी थी और सबसे पहले कान्हा जी के राखी वगैरह बांध दी, उसके बाद आ गए थे हम सारे नीचे। और यहाँ पर नंद बांध रही है बड़े वाले जो कि मेरे जेठ जी हैं उनको राखी, और वो ना बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे वीडियो के लिए कि बिल्कुल भी तैयार नहीं थे वीडियो बनवाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वंशिका ने शूट कर लिया ज़बरदस्ती। अभी देखिए वही गुस्सा कर रहे हैं कि वीडियो नहीं बनानी थी, तो देखिए यहाँ पर ना बस हो गई है, उनके भी राखी बन गई है, अभी बाकी हम सबके राखी बन जाएगी, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
तुझे देखिए अभी हस्बैंड जी के भी राखी बांध दी है नन जी ने, और मेरे भी लगा दिए टीका वगैरह, राखी बांधती हैं हर बारी बांधती हैं मुझे। और ये बैठा है जेठानी का लड़का, तो बस आज ना मैं मतलब कि जल्दी जल्दी में जैसे कि काम निपटाया था उसके बाद सिर्फ नहाई, और नहाने के तुरंत बाद ही मैंने नीचे आ गई थी काम निपटा कर, क्योंकि मैंने 12:15 बजे जैसे कि खाना वाना बनाना स्टार्ट ही किया था, तो मेरा पूरे 12:30 बजे तक सारा टोटली खाना भी बन चुका था और बर्तन भी साफ़ मैंने कर दिए थे, जो बड़े बड़े बर्तन खाली हो रहे थे ना खाना बनाने के बाद के वो सब। अभी मैं आ चुकी हूँ फिर से ऊपर, और ऊपर आने के बाद ना सबसे पहले देखिए मैं आपको खीर का टेक्सचर दिखा रही हूँ, कितना यम्मी लग रहा है देखने में, बहुत टेस्टी खीर बनी थी सच में। और दूसरी चीज़ है ये हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी जो कि बिना प्याज लहसुन के बनी है, इसमें सिर्फ मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाली है, अदरक तो आ ही नहीं रही है और बस वही नहीं डाली है। तो यहाँ पर डाला है मैंने बूंदी का रायता, और साथ में ये बनाई है मिक्स वेज जो कि मैंने बनाई तो थी बड़ी कढ़ाई में, लेकिन मुझे उसमें पूड़ी तलनी थी ना, छोटी कढ़ाई में मैंने इसको निकाल कर बर्तन खाली कर लिए थे, और उसको मैंने धो मांज कर गई थी, क्योंकि नीचे जाने से पहले मैं सारा खाना वाना सेट करके और बर्तन खाली करके मांज कर ही गई थी। अभी देखिए खीर, रायता, सूखी सब्जी और मटर पनीर वगैरह सब कुछ रेडी है, तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी ना थोड़ी सी गर्म होने के लिए रखी है, सूखी वाली सब्जी तो काफ़ी ही गर्म थी अभी, और बस यहाँ पर ना साथ में मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। वैसे तो सोच रहे थे रोटी बनाने का, लेकिन मैंने आटा पूड़ी का ही लगा लिया था, और जिस चिरिमची में मैंने आटा लगाया था ना उसमें थोड़ी सी नोक निकली हुई है ना, उस चिरिमची की टूटी हुई थी, तो वो ना बहुत जोर की चुभ गई थी उंगली पर और खून निकल आया था, तो फिर मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि आटे में बार बार से दिक्कत लगती रहे कि चुभता रहेगा हाथ लगाऊंगी, तो मैंने आटा ही निकाल कर प्लेट में रख लिया। अभी देखिए सबसे पहले लगाई है मैंने यहाँ पर कान्हा जी की थाली, और उनको भोग लगा दे रहे हैं और बाकी भी सबको खाना वाना खिला देते हैं। इसी के साथ करती वीडियो का एंड, आई होप वीडियो पसंद आई हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।